नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार ही नहीं पूरे देश की सियासत के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। आपको पता है कि राजधानी पटना में विपक्षी एकता की बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में शामिल होने के लिए देश भर के तमाम दिग्गज जुटने लगे हैं। कल से ही महाजुटान का यह सिलसिला शुरू हुआ। राजधानी पटना में आपने कल रात की तस्वीर देखी, ममता बनर्जी पहुंची, अरविंद केजरीवाल पहुंचे, तमिलनाडु के सीएम एन के स्टालिन पहुंचे और बारी है आज की। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट पर खुद पहुंच गए हैं अतिथियों का स्वागत करने के लिए। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पटना एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, नीतीश कुमार ने खुद वेलकम किया है। देखिए इसके बाद कौन कौन आने वाला है। इसके बाद अखिलेश यादव आएंगे, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री। इसके बाद शरद पवार, उद्धव ठाकरे भी आएंगे। उसके बाद हेमंत सोरेन का आना होगा। तो बड़े-बड़े दिग्गज राजधानी पटना में आज जुट रहे हैं। राजधानी पटना में विपक्षी एकता की बड़ी बैठक, आपको पता है कि संभावित जो समय है 11 बजे से यह बैठक शुरू होगी, जिसके बाद 4 से 5 बजे तक इस बैठक के खत्म होने की संभावना है। 18 बड़ी पार्टियां, विपक्ष की देश भर की 18 बड़ी पार्टियां के बड़े बड़े नेता जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होने आ रहे हैं और कई मुख्यमंत्री आ भी चुके हैं। तो ऐसे में बड़ी तस्वीर राजधानी पटना के एयरपोर्ट पर आप देख पा रहे होंगे, अपनी तस्वीर में दिख रहा होगा आपको कि नीतीश कुमार खुद ही पटना एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं अतिथियों का स्वागत करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह कि आज की बैठक में क्या होगा। बैठक में तमाम दिग्गज शामिल होंगे, मंत्रियों को लगाया गया है। देखिए पटना एयरपोर्ट पर विजय चौधरी भी पहले से ही पहुंच चुके हैं। तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है ताकि अतिथियों के आगमन को लेकर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। बड़ी बैठक होने जा रही है, लालू प्रसाद यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। कल देर रात की तस्वीरें आपने देखी जब एमके स्टालिन लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। ममता बनर्जी जैसे ही पटना आती है, राबड़ी आवास जाती है, लालू प्रसाद यादव का पैर छूकर वो आशीर्वाद लेती है। और आज का यह दिन बेहद खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि तमाम जो नेता हैं, तमाम जो दिग्गज हैं, मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने के लिए एक मंच पर आसीन होंगे और बड़ी बैठक में यह तय किया जाएगा कि किस चेहरे को आगे करके मोदी सरकार के खिलाफ 2024 में चुनाव लड़ा जाए और किन किन बातों पर सहमति बनेगी। यह हालांकि बैठक के बाद यह तय हो जाएगा जब बातें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी तस्वीर हम आपको पटना एयरपोर्ट पर दिखा रहे हैं। तमाम सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है, चप्पे चप्पे पर निगहबानी रखी गई है, कहीं कोई दिक्कत ना हो, व्यवस्था में कहीं कोई चूक ना हो, कहीं कोई असुविधा ना हो, इस तमाम चीजों का ख्याल रखा गया है। राहुल गांधी के पटना आने से पहले आपने तमाम तरह की तस्वीरें देखी। कांग्रेस कार्यालय में सदाकत आश्रम में कई दिनों पहले से ही तैयारियां चल रही है। राजधानी पटना का इलाका जो है, तमाम इलाका जो है, कई सड़कें जो है पोस्टरों से पट चुके हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे फिलहाल पटना आ चुके हैं। हेमंत सोरेन देखिए कुछ देर में पहुंच जाएंगे, वो भी अखिलेश यादव भी पहुंच जाएंगे, शरद पवार आ जाएंगे, एनसीपी प्रमुख और तमाम नेता जिनकी हम बात कर रहे हैं वो सभी एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ 2024 की लड़ाई लड़ने की रणनीति तय करेंगे और इस बात पर मंथन चलेगा कि किस प्रकार एकजुट हुआ जाए, किस प्रकार जो है आगे किसे किया जाए और कौन चेहरा हो, किससे किसकी फाइट हो, इन तमाम बातों पर चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल की बड़ी तस्वीर और बड़ी खबर पटना एयरपोर्ट से, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री खुद ही पहुंच गए हैं अतिथियों का स्वागत के लिए। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।